हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी पे। तो आइए आज बात करेंगे हम 4 जून 2018 की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आज की करंट अफेयर्स के, वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, आपने अगर अभी तक ये हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी के चिन्ह को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राष्ट्रों की यात्रा की है। तो देखो 3 राष्ट्रों की यात्रा संपन्न कर ली है किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब इनका क्रम कहाँ है, अब ये तो पता है कि 3 राष्ट्र में गए थे लेकिन सही क्रम कहाँ है कि पहले कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, फिर उसके बाद कहाँ पे गए। तो देखिए इसका क्रम होगा जो ये होगा कि सबसे पहले वो इंडोनेशिया गए थे, उसके बाद वो मलेशिया गए थे, फिर वो सिंगापुर गए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी अपना सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात हुई है इंडोनेशिया की, मलेशिया की, सिंगापुर की, तो इनकी हम राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, क्या है, जकार्ता। और जो इसकी मुद्रा है इंडोनेशिया की वो है इंडो रुपया, इसकी मुद्रा है। और जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है वो है जोको विडोडो है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है, और जो मलेशिया की मुद्रा है वो है रिंगिट, कौन सी, रिंगिट। और यहाँ के मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है महाथिर मोहम्मद। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंगापुर की बात करते हैं। तो देखिए सिंगापुर है उसकी राजधानी सिंगापुरी है, और मुद्रा जो है सिंगापुर की वो है डॉलर। और जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री की बात करें तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है, क्या है, ली सी एन लुंगा, क्या है, ली सी एन लुंग है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि जो सिंगापुर है उसके राष्ट्रपति कौन है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति है हलीमा याकूब, कौन, हलीमा याकूब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ये दे रखा है कि सेव द चिल्ड्रन के एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो स्थान रहा है, तो भारत की जो रैंकिंग रही है वो कौन सी रही है। क्या क्वेश्चन है कि सेव द चिल्ड्रन के एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो देखिए इसमें भारत की जो पोजीशन रही है, रैंकिंग रही है, वो 113 रैंकिंग रही है, कौन सी, 113। अब बात करते हैं ये कितने देशों की सूची थी, तो ये थी 175 देशों की सूची थी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हाल ही में किस देश ने सीज फायर समझौते 2013 का उल्लंघन किया है। तो देखो ये सीज फायर समझौता है 2003 का, तो इसका उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। अब क्या हुआ था कि ये जो समझौता हुआ था 2000 में सीज फायर समझौता, तो उसमें इन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ था कि भाई जो ये सीज फायरिंग वगैरह है ये सब ऐसे ही नहीं की जाएंगी। लेकिन क्या किया, पाकिस्तान ने इस चीज का उल्लंघन करके वापस से फिर से फायरिंग स्टार्ट कर दी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान हमारा आंसर हो जाएगा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि केंद्र सरकार ने कावेरी जल विवाद समझौते के लिए एक नई कमेटी का गठन किया है जिसका नाम क्या है। तो जो ये कावेरी जल विवाद समझौता है इसके लिए जो नई कमेटी का गठन किया है वो कमेटी है कावेरी जल प्रबंधन समिति, कौन सी है, कावेरी जल प्रबंधन समिति, इसका गठन किया गया है। अब देखो ये जो जल विवाद है ना, ये विवाद 19वीं शताब्दी से चलता आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि वायुसेना के प्रमुख जिनका नाम क्या है, BS धनोआ। तो ये 4 जून से और 7 जून तक किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तो ये देखो 4 जून से और 7 जून पे किसी देश के दौरे पे जाने वाले हैं, तो वही पूछा है कि कौन से देश के दौरे पर ये वायुसेना प्रमुख रहेंगे। तो ये रहेंगे ब्राजील के दौरे पे, कौन से, ब्राजील के दौरे पे, तो हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्रासिलिना है,
और जो मुद्रा है वो है रियाल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखते हैं हम इसे। देखो क्या कह रहे हैं कि हाल ही में किसने विश्व प्रेस कार्टून पुरस्कार 2018 जीता है। क्या कहा कि हाल ही में किसने विश्व प्रेस कार्टून पुरस्कार 2018 जीता है, तो ये जीता है थॉमस एंटिनी ने। किसने? थॉमस एंटिनी ने। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं विश्व प्रेस, ये विश्व प्रेस कार्टून पुरस्कार है इसकी बात करते हैं, तो ये था इसका कौन सा एडिशन था, इसका 13वां एडिशन था। तो अब देखो इसमें क्या है कि कुल 9 विजेताओं को चुना गया था, मतलब कि 9 विजेता कौन से, यूरोप, एशिया और जो दक्षिण अमेरिका, इनके 9 विजेता चुने गए थे। और जो अपना एशिया, एशिया का केवल जो ये थॉमस एंटिनी है इन्हीं को चुना गया था और इन्हीं को क्या पुरस्कार मिल गया। तो जो ये थॉमस एंटिनी है ये कहाँ के है, ये है केरल के है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दे रखा है हमें कि हाल ही में अभी क्या हुआ कि सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब जो आत्महत्या है, आत्महत्या की कोशिश करना अपराध नहीं है, तो ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब आत्महत्या की कोशिश करना अपराध नहीं है, यह किस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो देखो ये आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंदर ये आता है। अब देखो बात करते हैं कि इसको किसने जारी किया, किसके द्वारा ये जारी किया गया। तो ये जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसमें बताया गया है कि अब अगर कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और कोई भी आईपीसी धारा कुछ भी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट ये बात की गई कि अग्नि 5 मिसाइल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी अभी हुआ है, ये लॉन्च हुई है, कौन सी, अग्नि 5 मिसाइल। तो देखो ये इसका परीक्षण किया गया है अभी, तो जो ये अग्नि 5 मिसाइल है जिसका परीक्षण अभी देखो 3 जून 2018 को ही किया गया, यानी कि कल ही किया गया है, तो इसकी जो क्षमता है ना वो कितनी है, तो जो अग्नि 5 मिसाइल की जो क्षमता है वो है 5000 किलोमीटर। कितनी है? 5000 किलोमीटर। अब देखो बात यहाँ ये करते हैं कि जो ये अग्नि 5 मिसाइल है इसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबी है ये, तो ये है 17 मीटर लंबी है। और ये किस टाइप की मिसाइल है? देखो ये है जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। और देखो ये क्या है कि ये जो परमाणु क्षमता है उससे लेस है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसको किससे, इसका परीक्षण किसने किया है, तो इसका परीक्षण किया है DRDO ने, इसका परीक्षण किया है। परीक्षण किया है कहाँ पे किया है? उड़ीसा के जो अब्दुल कलाम द्वीप है उस पर इसका परीक्षण किया गया है। तो देखो ये तो हो गई अग्नि 5 मिसाइल की बात हो गई। अब यहाँ हम देखते हैं अग्नि 1 की बात करते हैं, अग्नि 1 की बात करते हैं, तो उसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 700 किलोमीटर। कितनी? 700 किलोमीटर। अब बात करते हैं अग्नि 2 की बात करते हैं, तो अग्नि 2 की जो क्षमता है वो है 2000 किलोमीटर। तो यहाँ जो ये 2000 दे रखा है ये अग्नि 2 की है। किसकी है? अग्नि 2 की है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अग्नि 3 की बात करते हैं, तो अग्नि 3 की जो क्षमता है वो 3500 किलोमीटर है, यानी 3500 किलोमीटर है। अब अग्नि 4 की देखते हैं, तो अग्नि 4 की जो है वो है 3000। तो 3000 देखो यहाँ 3000 दिया हुआ है, ये किसकी है? ये है अग्नि 4 की। किसकी? अग्नि 4 की है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं अग्नि 5 का, हमने देख ही लिया है 5000 किलोमीटर है। और अग्नि 6 की बात करें तो अग्नि 6 क्या करती है कि जो 10000 किलोमीटर की क्षमता लेस करती है। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखो बस इसमें क्षमता ही पूछी जाती है ज्यादा, तो और कुछ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश, निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने वहां के प्रधानमंत्री जिनका नाम है मेरियनो राजोय को भ्रष्टाचार आरोप के चलते उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया है। कब हटा है? 1 जून 2018 को उनको हटा दिया गया है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने वहां के प्रधानमंत्री मेरियनो राजोय
को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते प्रधानमंत्री पद से 1 जून 2018 को हटा दिया गया है। तो कौन से देश के ने किया है ये? देखो कौन से देश ने हटाया, ये हटाया स्पेन ने हटाया। अब तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पेन हो जाएगा। अब यहाँ बात हुई है भाई स्पेन ने हटाया तो यहाँ पे कोई नया प्रधानमंत्री भी तो बना होगा, तो जो नया प्रधानमंत्री बना है वो है पेड्रो सांचेज है। अब यहाँ स्पेन की राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा है यूरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि बेनामी कारोबार सूचना पुरस्कार स्कीम 2018 के तहत बेनामी कारोबार की सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो ये पुरस्कार दिया जाएगा इसमें कितनी राशि देने की घोषणा की गई है, ये क्वेश्चन बन रहा है हमारा। क्या कह रहा है कि बेनामी कारोबार सूचना पुरस्कार स्कीम 2018 के तहत बेनामी कारोबार की जो सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा उसकी राशि कितनी राशि देने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 1 करोड़ राशि के भी, जो भी बेनामी कारोबार की सूचना देगा उसको, उस व्यक्ति को 1 करोड़ राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। तो अब यहाँ बात करते हैं कि इसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा की है वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब देखिए जो स्कीम का नाम रखा है उस स्कीम का नाम क्या रखा है, नाम रखा है आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना 2018। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि विश्व साइकिल दिवस कब आयोजित किया गया। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये विश्व साइकिल दिवस है ना ये पहली बार आयोजित किया गया है और ये अभी आयोजित किया गया है 3 जून को ही। तो देखो अब क्या आंसर हो गया हमारा, 3 जून 2018। तो 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस आयोजित किया गया है और ये पहली बार किया गया है। तो अब देखिए ये कहाँ पे मनाया गया अभी, तो ये मनाया गया है दिल्ली के अंदर और जो इसका इनॉग्रेशन किया है वो वेंकैया नायडू ने किया है। और देखो इसमें क्या है, साइकिल के लिए लोगों को जागरूक किया गया है कि भाई साइकिल है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है तो साइकिल हमें चलानी चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि ये टिमोथी परेरा है इनका निधन हो गया है, तो ये किस क्षेत्र से थे, यानी कि ये टिमोथी परेरा है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा कि ये फुटबॉल खिलाड़ी थे तो फुटबॉल से ये संबंधित रखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की जो करंट अफेयर है उसमें काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि महात्मा गांधी की 150 जन्म सती मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस की अध्यक्षता में जो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसका गठन किया गया। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसका गठन किया गया है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अब देखिए इसमें टोटल 2 समितियों का गठन हुआ है, एक तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई और जो दूसरी कमेटी है दूसरी कमेटी का नाम है राष्ट्रीय कमेटी। तो देखो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और जो ये राष्ट्रीय कमेटी है ये है राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में किस देश ने पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। तो देखो ये जो पृथ्वी निरीक्षण किया गया है, पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह का जो सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है ये किया है चीन ने, किसने किया है चीन ने। तो अब यहाँ चीन की बात हुई है तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और मुद्रा है रेमिनबी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर के जो ये मिसाइल है इसकी जो मिसाइल का जो नाम है वो क्या है, तो मिसाइल का नाम है गाओफिन 6, इसका नाम है किसका मिसाइल का। और देखिए जो ये कृषि संसाधन अनुसंधान और जो आपदा की निगरानी के लिए इस मिसाइल का उपयोग किया जाएगा, किन चीजों के लिए, कि जो ये कृषि संसाधन अनुसंधान हो गए और जो ये आपदा इनकी जो निगरानी करने के लिए इस मिसाइल का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए चीन की बात हुई तो चीन के राष्ट्रपति का भी हम देख लेते हैं कि चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो जो चीन के राष्ट्रपति है वो है सी जिनपिंग। कौन है, सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में मेगा चिरेला, किसका मेगा चिरेला के जीवाश्म की खोज की है, तो जो ये मेगा चिरेला है ये किसकी प्रजाति है।
तो जो ये मेगा चरेला है ये छिपकली की प्रजाति, किसकी छिपकली की प्रजाति है कौन, ये मेगा चरेला। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें यही पूछा जाएगा कि मेगा चरेला है वो कौन सी जीवाश्म में इसकी खोज की गई है, तो ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है, कौन सी प्रजाति है, ये तो छिपकली प्रजाति है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। देखिए आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की करंट अफेयर के जो ये 15 क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे वीडियो, जो मैंने कराया समझाया वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और चीज़ें समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे के चिन्ह को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक दिया हुआ है जिस पे आप हमें फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।